जिंदगी की अदालत में एक बार बंद दरवाजों पर फिर से दस्तक होने जा रही थी। जमीन पर पड़ रहे उस लड़की के पांव में सजे घुंघरू एक एक कर जमीन पर बिखर रहे थे। वो आगे बढ़ते हुए भी फिक्र नहीं कर रही थी कि घुंघरू के चुभने से उसके पांव से निकला खून वह एक इतिहास लिख रहा था। बाहर आए तूफान से खंडर के किवाड़ जोरों से बज रहे थे, मानो वो आवाज किसी के आक्रोश को बताना चाह रही हो। आसमान में कड़कती बिजलियों के बीच खंडर में एक जोर आवाज गूंजती है। उसकी जमीन पर पड़ते पांव खंडर के भीतर एक दरार ले आते हैं, जो सीधे वहां रखे शिवलिंग के पास जाकर रुक जाती है। आसपास के ढेरों पत्ते आकर शिवलिंग के सामने आकर खुद ही ढेर में बदल जाते हैं। ये देख वो लड़की जोर से हंसती है और बला की हंसी नागिन में बदल जाती है। कहते हैं क्रोध में नागिनों के शरीर की त्वचा पहले से अधिक चमकती है। उस वीरान खंडर में रागिनी सोने से चमक रही थी। शिवा, वाह कितना सजीला है ना तू। अपने आप की पूजा कराने के लिए तो भक्तों को चौकट तक ले आता है, पर जब खुद तेरी बारी आती है भक्तों के पास आने की, तब कहाँ छिप जाता है मेरे भंडारी। बोल ना शिवा। और रागिनी की आंखों में आंसुओं की धारा इतनी तेज निकलती है कि शिवलिंग का रागिनी के आंसुओं से ही अभिषेक हो जाता है। शिवा, शिवा, क्यों शिवा? तू तो अंतर्यामी था ना, सबने कहा सावन तेरी शिवा का महीना है, अब तो वो तुझे सुनेगा। मैं दीवानी सी तेरी भक्ति में ही रात दिन बैठी रही, और जब मैं तेरी भक्ति के उजाले को महसूस कर रही थी, उसी समय तूने मुझे अंधकार में धकेल दिया। नहीं शिवा, नहीं, आज ही रागिनी यही बैठेगी, समय के हर पहर को लांघते हुए मैं यही बैठूंगी मेरे शिव जी। और रागिनी अपनी आसन पाटी लेकर वहीं बैठ जाती है और शिवलिंग के सामने मंत्र जाप करते हुए शिव जी की तपस्या करने का फैसला करती है। जानती हूँ तू इस पत्थर में बसा है, मगर तुम्हारा हृदय ऐसा पत्थर नहीं है। अगर तुम्हें इस भक्ति से प्यार है तो मुझे इंसाफ देने आएगा शिवा, आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीरान पड़े उस खंडर की दीवारें रागिनी के मंत्र जाप से कांप उठी थी। दिन बीतते गए। रागिनी की अरदास क्या थी वो बस उसके शिवजी और वो ही जानते थे। रागिनी की पुकार मानसरोवर पर्वत में विराजित शिवजी के पास जाती है, जो रागिनी की आवाज सुनकर मुस्कुराते जा रहे थे। तभी पार्वती जी उनके पास आती हैं। अरे रुद्र, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, किंतु अपने भक्त की मदद करने की इच्छा क्यों नहीं रख रहे? सही समय आने दो पार्वती, और मेरे भक्त इतने भी कमजोर नहीं जो एक पत्थर के आगे मंत्र जाप करने से ही थक जाएंगे। अभी तो जंग बाकी है। खैर, तुम थोड़ा सावन का आनंद लो। कहो तो नया झूला डलवा दूं तुम्हारे लिए, खुशबूदार फूलों वाला। भक्त नाराज हो जाए मैं मना लूंगा, पर मेरी पार्वती नाराज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे मनाना तो ईश्वर की भी बस की नहीं है।